हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ल्स डायरी। आज की वीडियो में हम ट्यूलिप सलवार की कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करना बहुत ही आसान है। ये मैंने टू फोल्ड कपड़ा लिया है जो 2 मीटर है, और जैसा कि आप देख रहे हैं टू फोल्ड कपड़े को मैंने इसको घुमा दिया है, जैसे कि हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग में करते थे। और घुमा लेने के बाद इसको अच्छे से बिछा लेना है, बिल्कुल बराबर जैसे मैं फोल्ड करके मैंने बिछाया है। अच्छे से बिछा लें टू फोल्ड कपड़े को। जैसे फोल्ड किया आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा मैं करके दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से इसको फोल्ड करना है, चाहे आप किसी भी साइड से करें, चाहे आप मेरी जहाँ पे मैं पिछली बार मैंने अपनी साइड से करा था और दूसरी बार मैंने दूसरी तरफ से लिया था, कहीं से भी करें। लाइक इसकी फोल्डिंग हो चुकी है, एंड फोल्डिंग के बाद मैंने ले लिया है इसका टोटल लेंथ, मुझे चाहिए था 34, तो मैं 34 पे मैं निशान लगा दूंगी। और ऐसे ही घुमाते हुए सब जगह 34 पे निशान लगा दूंगी। जैसा कि मैंने आपको ये बात मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग के समय भी बताया था कि हम जब कटिंग करते हैं ऐसे, तो ऐसे ही इसको ट्रायंगुलर में जब हम करते हैं कटिंग, तो ऐसे ही घुमा घुमा के हम जितनी हमें लेंथ चाहिए निशान लगा लेते हैं। तो मैं निशान लगा लूंगी 34 पे। जो भी आपको अपने पजामे की लेंथ चाहिए ट्यूलिप सलवार की, उसकी लेंथ आप डिसाइड कर लें और उसको बिल्कुल ऐसे ही निशान लगाने के बाद कटिंग कर लें। तो मेरी 34 थी तो मैंने 34 पे निशान लगा के करा। आपका छोटा बड़ा जो हो उस हिसाब से निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। एंड गाइज, यू कैन सी इसकी कटिंग हो चुकी है। इसमें दोनों ही सलवार का कपड़ा है क्योंकि हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया था। अब मैं इसको खोलूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका एक साइड खुला हुआ है और एक बंद है, तो मैं उसको भी काट दूंगी। पहले खोल लूंगी मैं इसे। इसका एक साइड खुला हुआ था और एक साइड बंद था, तो एक साइड मैं उसको कटिंग कर दूंगी। और ये कटिंग हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसमें से 2 पीस निकल जाएगा हमारा, और इसको नीचे की साइड जो हमारा जो सलवार के नीचे होगा हमारा बॉटम, उसको मैंने हल्का सा गोलाई दे दी है। अब हम आप देख रहे हैं जैसे इसकी फोल्ड मैं कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने सलवार की फोल्डिंग करनी है। और इक्वल रखना है उसका फ्रंट वाला पार्ट, जहां से मैं इक्वल इसको कर रही हूँ, ध्यान रखते हुए इसको बराबर करना है। एज यू कैन सी इसको थोड़ा ध्यान से बराबर करें और दोनों ही साइड इसका ध्यान रखें कि एक जैसा होना चाहिए। तो जब इसका एक पार्ट हो जाएगा तो आपको सेम एज इसका दूसरा पार्ट भी ऐसे ही कर देना है। ये एक हो चुका है, अब इसके दूसरे पार्ट को करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम एज ऐसे ही बनाएंगे फोल्ड करके। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं सलवार के दोनों साइड की कटिंग हो चुकी है इक्वली, और इसको हम देख लेंगे, अच्छे से चेक कर लेंगे कि इक्वली है या नहीं है। और उसको वैसे ही रखने के बाद हम इसकी फिर आसन की कटिंग करेंगे। आसन की कटिंग हम इसके मिड वाले पार्ट को फोल्ड करके करेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, दूसरी साइड रख देंगे। जो मेरा वाला साइड है हम उसी की साइड से आसन की कटिंग करेंगे, पर इसको अच्छे से हम बिछा लेंगे। पहले एक बराबर रख लेंगे और हम अपने वाले साइड से आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन मेरा है 8, 8 पे निशान लगाऊंगी मैं, 8 पे निशान लगाऊंगी। और उसकी फिर कटिंग कर लूंगी आधा इंच का गैप लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कटिंग करना है। और कटिंग हो जाने के बाद आप नीचे की जो बेल्ट को छोड़कर सलवार की बाकी कटिंग आप देखेंगे कि हो चुकी है। अब हम बस हमें अब बस सलवार के बेल्ट की कटिंग करनी है।
और बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि आपका हिप कितना है, उससे 5-6 इंच एक्स्ट्रा ले लें। तो मैंने 22 लिया है, तो 22 लिया है और बेल्ट मेरा 5 था, जो तैयार बेल्ट है मैं मुझे 5 लेना है। बट उसका ऊपर भी साइड में मार्जिन डबल बार फोल्ड होगा और नीचे भी इसकी सिलाई होगी, इसीलिए मैं टोटल 9 ले रही हूँ और 9 पे निशान लगा दूंगी। नाइन पे निशान लगा लेने के बाद इसकी कटिंग कर दूंगी। एंड गाइज, हमारा बेल्ट की कटिंग भी पूरी हो चुकी है, बस अब इसे आप कटिंग कर लेना है। एंड गाइज, इसकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो बनाऊंगी, आप जरूर देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जिन्हें स्टिचिंग बहुत पसंद है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।